পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাহায্যের জন্য 1,40,00,000 টাকা বরাদ্দ দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি হাসান। আমি উসমান। আমি ইকরা। तो गाइस आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। हमें बहुत ही खुशी वाली खबर मिल रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की इस दुख भरी घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 1,40,00,000 रुपए दिए हैं, डोनेट किए हैं कि इस दुख भरी घड़ी में। तो यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बांग्लादेश भी हमारा साथ दे रहा है, अपने भाइयों का साथ दे रहा है। और वाकई बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ सकता। तो देखते हैं इस वीडियो में, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान बेलुचिस्तान भयाबह बन्याय क्षतिग्रस्त परिवार के सहाज्य 1,40,00,000 टाका बरद दिए बांग्लादेश सरकार। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাহায্যের জন্য বিস্কিট, ড্রাই কেক, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ওরসালাইন, মশারি, কম্বল ও তাঁবু জরুরি ভিত্তিতে কিনে পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য বৃহস্পতিবার এ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা জানানো হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বলছে, ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে 100 টন বিস্কুট, 10 মেট্রিক টন ড্রাই কেক, 1,00,000 পিস পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, 50,000 প্যাকেট ওরসালাইন, 5,000 মশারি, 2,000 কম্বল ও 2,000 তাঁবু। ভয়াবহ বন্যায় পাকিস্তান এখন বিপর্যস্ত। দেশটিতে ঐতিহাসিক বন্যায় 1/3 এলাকা পানিতে সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে বলে সম্প্রতি জানিয়েছেন দেশটির জলবায়ু মন্ত্রী। চলমান বন্যা পরিস্থিতিকে পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। গত মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে বন্যা দুর্গত পাকিস্তানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে $16 কোটি সহায়তার আবেদন জানান জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে ভয়াবহ বন্যা, ইতিমধ্যে আমি নির্দেশ দিয়েছি সেখানে বন্যায় কি লাগবে, সেখানে বাচ্চারা খুব কষ্টে আছে, তাদের জন্য খাবার এবং কি কি দেওয়া যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে বলেছি। আমরা তাদেরকে রিলিফ বা ত্রাণ পাঠাবো। এরপরই বাংলাদেশ পাকিস্তানে ত্রাণ পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়। জি গাইস, তো আপনি দেখা ইস ভিডিও মে কে পাকিস্তান কা ক্যা হাল হুয়া পড়া হ্যায় ওর ক্যাসে ফ্লড নে পুরে পাকিস্তান কো ঘেরা হুয়া হ্যায় ওর ক্যাসে আওয়াম ইস ফ্লড মে উনকি ডেথ হো রহি হ্যায় ওর ক্যাসে পাকিস্তান কে হালাত হুয়ে পড়ে হ্যায় ইয়ে তো আপনি ভিডিও মে দেখা হোগা। ওর হামে ইয়ে বহুত জ্যাদা খুশি হুই হ্যায় কে বাংলাদেশ पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है और इसने 1,40,00,000 पाकिस्तान को डोनेट किए हैं। तो यार इससे बड़ी खुशी वाली खबर तो कोई भी नहीं हो सकती है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। और बाकी इकरा बाजी और उस्मान से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके। जी वाकई बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा साथ दिया और इसके साथ उन्होंने मतलब खुश्क जात जो मतलब खाने पीने की एशिया है, कंबल वगैरह और मतलब ऐसी चीजें भी बांग्लादेश में पाकिस्तान को भेजी हैं। और फ्लड वाकई पाकिस्तान में फ्लड ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है और बहुत ज्यादा अमवात भी हुई है इस फ्लड ने। और अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस आफत से महफूज फरमाए। जी गाइस, बाकी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो भी वीडियोस आ रही हैं, मतलब अभी एको डेट वो नहीं बता रहे, लेकिन जिस तरह की कंडीशन वो बता रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ही बुरी कंडीशन है। और मतलब जितने भी लोग हैं उनसे जितना हो सकता है वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और ख़ास तौर पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान की बहुत मदद की है। और इस बात की खुशी है कि बांग्लादेश अभी भी पाकिस्तान के साथ ही खड़ा है, चाहे कोई भी मुश्किल की घड़ी आ जाए, बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे अच्छी बात है। और सबसे एक बात और भी है कि जहाँ पे मतलब के बाकी लोग पैसे के जरिए डोनेशन कर रहे हैं और खास तौर पर बांग्लादेश वालों ने मेडिसिन भिजवाई है, ड्राई फ्रूट्स भिजवाए हैं, चीजें भिजवाई हैं ताकि उन तक पहुंच सके। और खास तौर पर मेडिसिन की बहुत जरूरत है क्योंकि जिस जब इस तरह का कोई कंडीशन होती है तो सबसे पहले जो चीज आती है वो लोगों की हेल्थ खराब होती है, जिससे ज्यादातर लोग जो है डायरिया का शिकार हो जाते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, लोगों की भूख प्यास खत्म हो जाती है,
और जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं और उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बांग्लादेश से मेडिसिन भी प्रोवाइड की गई है जो उन लोगों तक पहुंचे। तो गाइज आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा दुआ करनी है क्योंकि बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है पाकिस्तान का। और अगर देखा जाए तो मतलब कि बहुत से लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, हर चीज मतलब जीरो पे पहुंच चुकी है। मतलब अब जिस किसी ने भी स्टार्ट लेना है तो उसने जीरो से ही स्टार्ट करना है। और आप लोगों को इस चीज का बेहतर इलम होगा कि जीरो से स्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है, और वो भी आजकल के दौर में जब हर चीज जो इतनी महंगी हो चुकी है। और खास तौर पर जो तर्स आता है ना, वो छोटे छोटे बच्चों को देख के तर्स आता है जिनको अभी इस चीज की समझ नहीं है कि उनके साथ क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। ठीक है गाइस, तो वाकई ही बहुत बहुत शुक्रिया बांग्लादेश वालों का, बांग्लादेश के बहन भाइयों का, खास तौर पर शेख हसीना का कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद की। और हम लोगों ने एक वीडियो इस पे पहले भी बनाई थी कि आया क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो वाकई ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है जिससे हमें पता चला कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। और नो डाउट के बांग्लादेशी जो है वो कभी भी पाकिस्तान को अकेला छोड़ेंगे, चाहे वो किस तरह के भी हालात हों। तो गाइस ये है कि बांग्लादेश के अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिनका हम थैंक्स करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। और खास तौर पर अल्लाह ताला ना करे कि कभी किसी पर इस तरह की आफत आए। और वाकई ही जिस तरह की कंडीशन हो चुकी है पाकिस्तान की, बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। हर बंदे से अपील है कि जितनी हो सकती है पाकिस्तान की मदद करें ताकि ये जो लोग हैं अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, बीमार हैं, जिनके मतलब के बहन भाई, जिनके बच्चे, जिनके मतलब के हस्बैंड वाइफ, सब लोग जो मतलब के फोत हो चुके हैं, किसी की डेथ हो चुकी है, कोई गुम है, कोई लोगों को पता नहीं चल रहा कि पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, किसी को कोई इलम नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि उनको अपने प्यारों की लाशें तक नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसे। तो गाइस वाकई बहुत दुख भरा माहौल है। हम लोग तो मतलब के जिस भी न्यूज चैनल पे निकाले तो एक ही चीज नजर आती है जिसमें हर तरफ वो यही दिखाते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है, हर तरफ मतलब पानी के आगे, और कहते हैं एक आगे आके किसी बंदे का जोर नहीं चलता, ये अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो वाकई बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है। और हम लोग आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इस मतलब के आफत की घड़ी में मुसलमानों का साथ दिया है। और हर बंदे को चाहिए है कि इस तरह की सिचुएशन में हमारा साथ दे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई ही वीडियो बहुत अच्छी थी, और खासतौर पर शेख हसीना वाजिद का, उन आप लोगों की ही कोशिशों से उन्होंने आगे डोनेशन दी है गाइस। तो वाकई आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पाकिस्तान की मदद की। बिल्कुल गाइस, तो आप इस वीडियो में देख चुके हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ पड़ा है। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह पाक जल्दी पाकिस्तान को इस मुसीबत से निजात हासिल करे। और आपको प्रे करें आप पाकिस्तान के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल। गुड बाय।